जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज की नींव श्री ब्रिज किशन चांदीवाला जी के श्री ब्रिज किशन चांदीवाला जी ने 1959 में रखी थी, जिन्हें हम सभी भाई जी के नाम से जानते हैं। इनका नाम, कॉलेज का नाम, भाई जी की दिवंगत माता जी श्रीमती जानकी देवी के नाम पर रखा गया। हमारे कॉलेज की आधारशिला, प्रथम आधारशिला भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों रखी गई थी। हमारा कॉलेज गांधी दृष्टि का पालन करता है। आज हम सभी उसी दृष्टि से अपना कार्य कर रहे हैं। भाई जी ने 59 वर्ष पूर्व जिस बीज को रोपा था, आज वो इस कॉलेज के रूप में एक हरा भरा वृक्ष बनकर हमारे सामने उपस्थित है। भाई जी गांधी जी के अत्यंत निकट रहे, उन्हीं गांधी दृष्टि का पालन करते हुए आज हम फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ, जैसा कि हमारी परंपरा के अनुसार कहा गया है, कि दीप प्रज्वलन से किया जाता है। आज समय है, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर कॉलेज प्रेयर में भागीदारी लें।
परंपरा का पालन करते हुए हम अपने माननीय अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हैं। मैं अपनी प्राचार्य डॉक्टर स्वातिपाल जी से निवेदन करूंगी कि वे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का स्वागत सम्मान करें। हम सभी बहुत बेहतर आदमी से निवेदन, हमें पता चला कि मैम ने हमारे कॉलेज के लिए 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। किचन को अब मैं अपनी वर्तमान स्टूडेंट करती हूँ कि मैम का स्वागत। Thank you.
Thank you.
Teachers, we have Dr. Bindeshwar Pathak. Dr. Pathak is a versatile genius who has made path-breaking contributions to society without the power of force or money. He has turned the pages of India's long history of untouchability, social discrimination, and the mass practice of open defecation. In recent years, he has given a new life to the long-suffering widows of India. Dr. Pathak is a winner of several national and international awards, Padma Bhushan from the Government of India in 1991, the International St. Francis Prize for Environment in 1992, and the Stockholm Water Prize by Stockholm International Water Institute in 2009. I would like to invite Dr. Pathak on stage to say something, to say a few words, and enlighten the students of Janki Devi College. Next person and treasurer, Dr. Krishna ji. Principal Dr. Shri Brij ji. Pravatan Jain ji. Dr. Sunita, Dr. Punam Jadav, all of the teachers and their students, distinguished participants. मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने मुझे आज अपने फाउंडेशन डे के अवसर पर इस खुशी के मौके पर मुझे बुलाया है और अपने खुशी से हमको अवगत कराया है और हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं ही एक संस्था का फाउंडर हूं और आपका भी फाउंडेशन डे है, हमसे आप 11 वर्ष भरे हैं। आपकी स्थापना 1969 में हुई और हमने स्थापना 1970 में की। दोनों संस्था में साम्यता इस बात की है, साम्यता के साथ साथ आप हमसे आगे हैं, आप हमसे बड़े हैं, क्योंकि जिन्होंने इसका फाउंडेशन किया, ब्रिज कृष्णा चांदीवाला जी ने, वे स्वयं गांधी के साथ रहे, उनके साथ काम किया, गांधी ने फास्ट किया था उसमें साथ रहे, उनके हाथ के रक्त से गांधी, तो हर मायने में आप हमसे आगे हैं। तो मैं तो गांधी का अनुयायी हूँ, गांधी का फॉलोअर्स हूँ, वो तो गांधी के साथ थे, तो गांधी की प्रेरणा से आजादी की लड़ाई में उन्हें साथ दिया और फिर इस कॉलेज की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मातृशक्ति है, अब संयोग से पहले जमाने में तो था ही, हमारी ज्ञान धन शक्ति सभी माताओं को ही दिया, लक्ष्मी को, सरस्वती को, दुर्गा को, कलांतर से पता नहीं कहाँ गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन आज फिर हम उस ओर जा रहे हैं कि मातृशक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक विडंबना भी है, इस माँ ने मुझे जन्म दिया
उस माँ को पहचान बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो माँ ही नहीं होती तो बच्चे क्या होता। तो जिस माँ ने जन्म दिया उसकी पहचान बनाने के लिए समाज प्रयास कर रहा है या भी विडंबना है। माँ का स्थान सबसे पहला होता है और जैसा माँ सिखाती है वैसा आदमी होता है। चर्चा मैं बाद में करूँगा। जो आपका कॉलेज है फाउंडेशन ये मना रहे हैं आज, तो महत्वपूर्ण बात ये है, ऋषि ने पूछा था विश्वकर्मा से कि दान में क्या देना चाहिए। तो पहले विश्वकर्मा ने कहा भूखे को खाना खिला दो और प्यासे को पानी पिला दो। फिर विश्वकर्मा ने कहा कि आप खाना खिलाओगे पानी पिलाओगे तो फिर वो मांगने आएगा। तो सबसे अच्छा दान क्या है, तो ज्ञान का दान, शिक्षा का दान। विश्वकर्मा ने कहा जो देना हो तो शिक्षा का दान देना, ज्ञान का दान देना। तो ये शिक्षा जो कॉलेज है आप जो ज्ञान दे रहे हैं, लड़कियों को तैयार कर रहे हैं, माँ बन ले जाएंगे आगे, उनकी भूमिका के बारे में बता रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और इस मौके पर हमको बुलाया है आपने, मुझे भी अच्छा लग रहा है। समय क्यों है मुझे तो समय दिया गया है, कहा गया है 10 मिनट बोलने के लिए, और हम लोग तो इसमें जो टीचर्स जो आपके हैं उनको पता होगा, मैं भी टीचर्स रहा हूँ, पहले टीचर से स्टार्ट किया, हाई स्कूल के टीचर से। मैं भी प्रोफेसर बनना चाहता था विश्वविद्यालय में, किस कारण बन नहीं पाया। तो मैं तो क्लास देता था, कभी कभी 2 घंटे निकल जाती थी। एक दिन हमारे हेडमास्टर क्लास में आ गए, मैं तो डर गया कि क्या हो गया, अरे बच्चे कहाँ आ गया। तो हेडमास्टर ने कहा कि तुमको पता है कि 3 घंटी बनने वाली है। तो क्लास से मैं निकल गया। तो खैर समय आपका बहुत नहीं देगी। जो आपने प्रार्थना में गीत गाए, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने, इतना महत्वपूर्ण वाक्य है। अपने पढ़ने लिखने के बाद जब जीवन में जाएंगे आप, इस बात का ध्यान रखिए। अभी जो अनुभूति जो अभी प्रकट की गई, मैं जब देख रहा था तो मेरे आँख से भी आंसू आ गए। मेरे आंसू तो 50 वर्ष से आ रहे हैं, बट अभी प्रस्तुति देखी, बहुत अच्छी प्रस्तुति की, ताली बजा दीजिए उन लोगों के लिए। वास्तव में प्रस्तुति की इन्होंने, आप अंदाज कीजिए जब प्रस्तुति देख करके आपके आँख में आंसू आ सकते हैं, तो जिनके जीवन में जिनको करना पड़ता होगा उनका क्या होता होगा। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि 2 दिन मैंने स्वयं मैला धोया है, गलियों में जाके उनके साथ पखाना निकाल के साफ करके और 3-4 किलोमीटर दूर जाके फेंका है हमने, इस बात को जानने के लिए, इस बात को जानने के लिए कि जो ये फोटो देखेंगे इसमें, तो ये है कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज टू क्रिएट सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी पर्सन इज कॉल्ड एजुकेशन। यदि आप पढ़ने लिखने के बाद आप सेंसिटिव नहीं हुए, यदि सेंसिबिलिटी नहीं आप में आई, तो वो एजुकेशन आपका किताब तक छूट रह गया। तो जो गांधी के हम फॉलोअर हैं,
हम समय नहीं छोड़ देते हैं तो गांधी ने कहा था वन आउंस ऑफ एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन टन्स ऑफ नॉलेज तो 5000 वर्ष से कथा चल रही थी बैला घोड़ी प्रथा को समाप्त करना चाहिए वहाँ ठीक नहीं है बहुत लोगों को इसका कंफ्यूजन है कुछ लोग जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं लेकिन वे भी सच्चा इसकी है चांडालों को काम दिया गया था तब अंदाज कीजिए कि 5 वर्ष की प्रथा 5000 वर्ष की प्रथा को समाप्त करने में कितना समय लगा होगा मैं जब बच्चा था तो मेरे घर में एक 2 महिला आती थी बांस के बने हुए सामान देने के लिए सूप डगरा चलनी हम लोग बिहार के जो है बोलते हैं उसको और जब लौटती थी तो मेरी दादी पानी छींटती थी मैं छोटा बच्चा था कौतूहल वश मैं पूछता था कि इतने लोग घर में आते हैं तो दादी पानी नहीं छींटती है इसके लिए क्या छींटती है तो लोग कहते थे कि वो अछूत है वो चलती है तो जमीन छुआ जाता है इसलिए उसको करना पड़ता है तो मैं छू के देखता था कि कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ एक दिन दादी ने देख लिया मुझे छूते हुए जो कोराम बचा घर में जो कोराम बचा मत पूछिए मुझे दोस्ती गाय का गोबर पिलाया गया गाय का मूत्र पिलाया गया और गंगा जल से स्नान कराया गया हमको हास महीने जनवरी में मुझे तो ये मेरे जन बात थी और संजोग से मुझे मौका मिला मेरे जीवन में अभी अब कभी जो अनुभूति वाले लोग हैं इनसे हम कहेंगे कि फुल नाटक करेंगे यही जो किया मैंने 5 मिनट के लिए इनको हम मौका देंगे और साधन भी देंगे सहायता भी करेंगे फुल नाटक करें कि क्या अवस्था थी और कैसे निकाले इनको हम यदि गांधी ने स्वयं लिखा है कि जब तक महिला ढोएंगे इनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है मैं आपके सामने खड़ा हूँ आपको बुलाया अच्छा लगा हमको कि सुलभ शौचालय के आविष्कार हम न किए होते तो आज भी महिला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं होती और ना ही खुले रूप में शौच करने की रूप से दिखा नहीं अब पानी चर्चा अब समय नहीं है ये 2 फीट का है हम तो कहेंगे कि आपका कैंपस बगल में है कभी आके देखिए आपने तो कहने का मतलब है कि पहले इसका आविष्कार किया हमने इससे क्या हुआ कि पखाना है जो खाद बन जाता है मिट्टी बन जाती है खाद हम सूखते हैं आप लोगों के लिए आप सुनिए कभी ये हमारा जो पखाना हमारा हक है हमारे कीटा है इसको हम सूख रहे आपके लिए उसको हमने ऐसा बना दिया तो फिर क्या हुआ उस काम से निकल गए उनको अब उनको मैदान ढोना नहीं पड़ता है शिवर की कहानी एक अलग है जो आपने देखा है वो कहानी अलग है ये कहानी है अब पैखाना साफ करना उनको नहीं पड़ता है तो खाद बन जाता है उसको पढ़ाए लिखा उनको हमने पढ़ाने लिखाने के बाद काम सिखाया उनको हमने पापड़ बनाने का चाप बनाने का एक कारपेट बनाने का महिला ढो के कमाते थे 300 से 400 रुपये अभी कमाते हैं 15,000 से 20,000 डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना था सब लोगों ने उन्होंने 4 इंडिकेटर्स दिए थे आप लोगों के लिए काम करेगा इसको इंतजाम इंतजाम में होता है इसी डायरेक्शन में तो इंडिकेटर दिए थे कि छुआछूत साफ कब होगी तो कहा था संसद में जाने से विधानसभा में जाने से नौकरी पा जाने से एक छुआछूत साफ नहीं होगी उसने 4 इंडिकेटर्स दिए थे कि सब लोग जब एक साथ मंदिर में पूजा करने जाएंगे सब लोग तालाब में एक साथ नहाएंगे सब लोग एक साथ कुआं से पानी भरेंगे और सब लोग बैठ के साथ में खाना खाएंगे तो मैं समझूंगा कि छुआछूत कैसे समाप्त होगा गांधी ने कहा है कि 2 में से 1 रहेगा या छुआछूत रहेगी या हिंदू धर्म गांधी का कहा हुआ है तो हमने कहा कि हिंदू धर्म बना रहे छुआछूत समाप्त हो जाए तो हम लोग ने 2 जगह है अलबर्ट कहा था लाने के लिए अनुवाय मिलता है तो अलबर्ट टॉप की महिलाओं को
हमने ये सारे करवाए, मंदिर ले गए, पूजा करवाया, गंगा स्नान करवाया, भविष्य पूजा करवाई, ब्राह्मण चारखाना करवाया, आज उसी घर में जाके पापड़ बेचते हैं, अचार बेचते हैं, महिलाओं का फेशियल करते हैं, जिस घर में उनका खाना साफ करने जाते थे। तो हमने क्यों कहा अनुभूति वालों को दोनों करने के लिए, पूरा करने के लिए, ताकि दिखाई पड़े कि पहले क्या था और क्या हुआ, अब समाज को क्या करना चाहिए आगे। तो उसमें है कि अब वही घर में चाय बनाती है, नाश्ता भी करती है। तो हमने कहा है कि जब लौटना तो मैडम लोग का गाल पर हाइट दिया करना। तो लोग कहती है गाल कवर देती हो, तो फाउंडर ने कहा है मैडम कि आपका गाल अटने के लिए लौटते समय। बोले क्यों? तो कहा कि पहले तो ही घर था, जब मैं आती थी खाना साफ करने के लिए तो खाना ऊपर से, पानी ऊपर से, पैसा फेंक करके, अब क्या होगा, वही घर है, वही मैं हूँ, आज क्या हो गया कि हमको कहती है चाय बना के पहले आओ, तब फेसियल करना हमारा, पापड़ लेती है, चाय लेती है। तो क्या जवाब देती है लोग, जो गांधी ने कहा था कि पहले तुम लोग मैला ढोती थी ना, इसलिए मैं तुम लोग छुआछूत करती थी, अब तो साफ रहती हो, बढ़िया रहती हो, तुम तो अमेरिका हो आई, फ्रांस हो आई, मैं कहाँ अमेरिका गई हूँ, तुम तो बड़ी हो गई हमसे। आप ये महत्वपूर्ण बात है कि अहिंसा के माध्यम से, आप समाप्त कर रहा हूँ, कभी बुलाइएगा आपको लेक्चर देने के लिए, आप बुलाएंगे आपको। तो ये है कि उसमें अहिंसा के माध्यम से हम न वेद पारे, न पुराण पारे, न स्मृतियाँ जलाई, कुछ नहीं किया। छोबरा आपको सुना होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में, जिसने क्यूबा की आज़ादी ली थी 1959 में दिल्ली में आया था, उसने भाषण दिया था कि भूखे को खाना खिलाने के लिए हिंसा की जा सकती है। फिर कहता है छोड़ देंगे नहीं, मैं अपनी बातों को इंडोर्स नहीं करता हूँ, मैं इंडोर्स करता हूँ गांधी की बातों को, नॉन वायलेंस को, क्योंकि जो ऑपरेस्ट है ये जब चेंज करेंगे ऑपरेशन को, तो ऑपरेशन चेंज करेंगे ऑपरेस्ट को, तो सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। इसलिए गांधी के अहिंसा के माध्यम से जो चेंज होगा वो अस्थायी होगा, और वो करके भारतवर्ष में हमने मॉडल दिखा दिया है। इसलिए अब नेक्स्ट जो होगा, यदि तैयार जो हो जाएंगे, डेढ़ घंटे या दो घंटे का होगा, उसमें अनुभूति वालों को ही कहेंगे, नाम वही रहेगा, अनुभूति का नाम रहेंगे, कलाकार भी यही रहेंगे, थोड़ा जुटेंगे, कुल दिखाएंगे कैसे वो मानवीय नरक में थे, उनको यार मानवीय नहीं है इसको, कहीं नरक नरक में थे और स्वर्ग में आए हैं। हमारे लिए आपके लिए तो नरक स्वर्ग ऊपर में है, पर उनके लिए नरक वहीं पर है, जिस प्रकार से मैदान भरते थे और विधि कर जाते थे। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आप गॉड हेल्प यू टू हेल्प समवन, आप ईश्वर ने आपको मदद किया है, आपको भी अति कुछ समाज के लिए काम करना चाहिए। मेरा तो लिस्ट बड़ा लंबा चौड़ा है, उसको छोड़ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि कुछ न कुछ तो भगवान आपको हेल्प किया है तो करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी का समाप्त कर रहे हैं। एक किसान था, वो खेत में काम कर रहा था, एक आदमी जा रहा था, गाड़ी उसकी रुक गई, कादों में फंस गया गाड़ी उसने, उस किसान ने गाड़ी को निकाला, तो गाड़ी वाला पैसा दिया उसको, पैसा नहीं दिया, कहा कि तो बेटा है, लड़का है, लड़का तो है, उसको पढ़ने का पैसा देंगे लोगे, बोला हाँ उसको देंगे। तो लड़का पढ़ने के बड़ा डॉक्टर हो गया, आज जो कि बड़ा आदमी था उसका लड़का बीमार पड़ गया और ठीक ही ना हो, तो ध्यान आया कि उस लड़के को पढ़ाया था हमने, उससे पूछते हम डॉक्टर हो गया, तो गया बात की उससे, कहा कि हाँ उसको हम ठीक करेंगे, उसने उसको ठीक कर दिया। उसे कौन थे दोनों, रोगी कौन था और डॉक्टर कौन था? तो रोगी जो था वो था विंस्टन चर्चिल, और डॉक्टर कौन था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, प्रेस्ली के उसने आविष्कार किया उसे। तो कहने का मतलब है कि एक हेल्प से, एक पढ़ाने से, एक बोला डॉक्टर बना, जो प्रेसली आज हम भी इस्तेमाल करते हैं, हम ही करते हैं, एक बार डॉक्टर बन गया और एक लीडर कौन से बना,
तो एक हेल्प करने से गॉड इसको ध्यान रखिएगा, इसको लेके जाइए, माता पिता कहिएगा, अपने ही करिएगा, गॉड हैज हेल्प यू टू हेल्प समवन। मेरी माँ कहती थी बेईमानी मत करना, आधी रोटी खाना। माँ कहती थी कोई सामने आ जाए लौटाना मत उसको। तो ये महत्वपूर्ण है कि कोई भी आदमी आता है जितना हो सके, वो बात नहीं संभव होता है, तो वो जितना हो सके समाज की सेवा करनी चाहिए। सब जो इतना पैसा क्या करेंगे आप आते हैं तो शरीर लेके आते हैं, कोई कपड़ा पता नहीं है, लेकिन अकेले तो आते हैं कम से कम, जाने समय उसको भी छोड़ जाते हैं। मैडम प्रिंसिपल ने कहा है आपके यहाँ पानी स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है एसटीपी बनाने के लिए। तो ये देखिए हम जो पानी ट्रीटमेंट करते हैं अपने यहाँ, ये पानी देखिए, ये पानी हमारे ट्रीटमेंट के बाद का पानी है। ये पानी कहाँ कहाँ है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं है, ये शौचालय का पानी है। तो पब्लिक टॉयलेट के पानी से हम साफ करके अपने खेत में डालते हैं, इसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, इसको खेत में डालिए और पाक में डालिए। और नदी में छोड़ना हो यदि गंगा जमुना में, तो पॉल्यूशन कहाँ से होगा। तो पैसा कितना लगेगा मैं नहीं जानता हूँ, जो पैसा लगेगा, 2 लाख लगेगा, मैं नहीं कहता इतना लगेगा कितना लगेगा, जितना भी लगेगा उतना लगा के आपके हम स्थिति बना देंगे। मैडम प्रिंसिपल की बात को हम मैडम का हम अपना देंगे, और आपको भी देखिए कैसे ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आपके पढ़ने का विषय ही हो जाएगा। ये अपने ट्रीटमेंट जो पढ़ते हो जो लोग, उनको कैसे पानी सेल फिल्टर से आता है, फिर जाता है चारों से पास होता है, कैसे अल्ट्राफाइनरी से पानी जाता है, तो पानी भी साफ हो जाएगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, दोनों हो जाएगा। तो बहुत टाइम नहीं लेंगे आपको, फाउंडर्स डे के दिन आप सबों को कितना अपना बधाई देते हैं, बहुत अच्छा इंजॉय करिए फाउंडर्स डे दे, और कॉलेज आपकी तरक्की करें। मैडम प्रिंसिपल आपकी बहुत अच्छी लगती है, उनको है देखने से ही लग रहा है। मुलाकात हुई, इनके लुक से लगता है कि श्री जी वेरी डिसिप्लिन पर्सन, देखने से लगता है। प्रिंसिपल है आपके यहाँ, तो मेरे पास एक कॉलेज की उनकी और होगी, और जो फाउंडर्स थे इसके, उनके तो गांधी का आशीर्वाद आप पर है, तो मैं इन बातों के साथ अपने बातों से बात करता हूँ, लेकिन हमको फिर बुलाइएगा, आप क्या बुलाइएगा कि हम जब मैं लेक्चर देता हूँ तो लगता है 1.5 घंटा कम से कम, और उसमें दिखलाएंगे आपको 32 बातें कि क्या क्या समाज का हमने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रबंधन में भी कई वर्ष से तत्परता से कार्य करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अपने फाउंडर्स डे के सेलिब्रेशन के साथ साथ हम अपने कॉलेज में इको जोन का इनोग्रेशन करने जा रहे हैं। तो इको जोन का इनोग्रेशन स्पोर्ट्स ग्राउंड के लेफ्ट साइड पर रहेगा। आप सभी उस इको जोन के इनोग्रेशन के लिए, और साथ ही जैसा परंपरा अनुसार हर वर्ष फाउंडर्स डे पर हम एक पौधारोपण करते हैं, उसके लिए आप सभी स्पोर्ट्स ग्राउंड के लेफ्ट साइड पर आमंत्रित।
Thank you, sir. Thank you.